देखिए इतना हो गया, करीब करीब 5 फुट हो गया मेरे से इतना लंबा। हम ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा नटा भी नहीं है, मीडियम के हैं। तो दोस्त ये देखिए हम लगा दिए हैं गोल मिर्ची। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। और दोस्त अभी हम लोग का काम चल रहा है और मैं तुम काफ़ी बारिश हो रहा है 2-3 दिन से। देखिए ज़मीन सब भी गीला है और आसमान भी दिखा देते हैं दोस्त। ये देखिए, दिखेगा कि नहीं लेकिन पूरा बादल है आसमान में। हाँ एकदम, ये देखिए अभी रुक गया कुछ देर के लिए बारिश। तो अभी हम चलते हैं काम में और दिखा देते हैं आप लोग को क्या काम करते हैं आज। तो चलिए जी, हो गया रेडी। और मेरा सामान मेरा हथियार ये रहा, मेरा हथियार इसमें है, ये रस्सी है देखिए गोल गोल, और ये कोदाल है, और ये चांदनी ली है हथियार देखिए। और हम चल रहे हैं अभी, तो हम चल पड़े काम में। और देखिए कुछ इस तरह नज़ारा है, पूरा एकदम डाउन है दोस्त। देखिए ये पहाड़ है ना, एकदम नीचे है ये देखिए, आराम से नहीं तो गिर सकते हैं ना। अरे बाप रे, ये देखिए चांदनी आ रही है पूरा एकदम धीरे धीरे से, क्योंकि जो है ना यहाँ पर पूरा डाउन है इसलिए धीरे धीरे आना पड़ता है, और स्लिप भी लग सकता है ना। अरे बाप रे। और दोस्तों वीडियो ख़राब भी हो सकता है क्योंकि जो है ना अंधेरा लग रहा है, आसमान में बादल है इसलिए जो है काफ़ी अंधकार दिख रहा है। और ये आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं स्पेशल, और ये तो हमको तो मालूम ही है कैसे लगाते हैं काम करते हैं, और आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्त। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त इस वीडियो के लिए दोस्त, क्योंकि जो है ना आप लोग को दिखाना चाहते हैं ना, इसीलिए थोड़ा लाइक करना भूलना नहीं आप लोग को। तो हम रास्ते रास्ते में आ गए हैं, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए इसको काट करके लगाएंगे। ये देखिए दोस्त, इसको ये बोलते हैं काली मिर्ची, और इसका दूसरा नाम भी है गोल मिर्ची। और काली मिर्ची, गोल मिर्ची। ये देखिए कुछ इस तरह है, पूरा एकदम जमीन में उधर उधर दौड़ रहा है, मतलब काली मिर्ची से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह है, एकदम इसमें चढ़ गया पेड़ में। और इसका फल ये देखिए यहाँ पर है, ये रहा फल, ये रहा फल। अब आज इसको लगाना है दोस्त, ये देखिए। तो निकालिए जी, कैसे निकालना है इसको, काट कर ऐसे नहीं करना है, रुकिए हम बता देते हैं। तो देखिए दोस्त इतना सारा है, बहुत ज़्यादा है दोस्त, इसमें जो है ना बहुत सारा मिर्ची आ जाएगा, मतलब जो इसमें फल पकड़ेगा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो है अब इसको लगाना है, तो ये देखिए यहीं पर ये है, क्या बोलते हैं, जॉइंट है, यही से इसका जड़ निकलता है, हर एक में जॉइंट में इसका जड़ निकलता है। गोल मिर्ची को उसका जड़ ही लगाते हैं, इसका जड़ ही लगाते हैं, मतलब उसका जो उग जाता है ना। ये देखिए काट दिए एक, और दूसरा ये रहा, ये ऐसे बाद में लगा देंगे। दूसरा कौन अच्छा वाला काटे, मोटा वाला, ये तो मोटा वाला काट दिए। अरे बाप रे, ये उधर आ गए, तो चलिए हम इसको यहीं पर काट देते हैं। चलिए हो जाएगा, इतने में काफ़ी है एक पेड़ के लिए, एक पेड़ के लिए दो ही काफ़ी है, एक इधर साइड में एक दूसरे साइड में लगाना है। चलिए इसको ले जाते हैं दोस्त। देखिए इतना हो गया, करीब करीब 5 फुट हो गया मेरे से इतना लंबा। हम ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा नटा भी नहीं है, मीडियम के हैं। चलिए इस पेड़ पर लगाएंगे वो गोल मिर्ची। इस पेड़ में लगाना है, देखिए अब यहाँ इसको थोड़ा जमीन को खोदना है, थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है, खोद रहे हैं। और बाप रे, ज्यादा नहीं खोदना है, मतलब ज्यादा नहीं खोदना है, थोड़ा सा 6 इंच गड्ढा, 6 इंच गड्ढा खोदेंगे। 6 इंच तो हो गया, नहीं हुआ, हो गया। आज का जो है ना थोड़ा बाहर का मिट्टी डाल देते हैं, ताकि ये खाद वाला मिट्टी ना, उर्वरक शक्ति बोलते हैं जो, खाद बोलते हैं। अब इसको डाल दिया थोड़ा बहुत, वो बाहर का मिट्टी अंदर में डाल रहे हैं। ज़्यादा पकड़े, ज़्यादा जल्दी पकड़ लेगा पेड़। अब जो है ना उसका जड़, इसको तोड़ना है, ये पत्ता वाला इसको तोड़ना है, पत्ता सब तोड़ रहे हैं, ये नीचे इतना तो ऊपर वाला नहीं, हो गया इतना ही बस। अब तोड़ दिए, ओए
अब तो ये देखिए, ये जड़ जो है ना, और ये जड़ और ये जड़ दोनों एक साथ, ये जड़ है ना एक साथ में रहेगा, और वहाँ इसको मिट्टी में ढक देना है। ये देखिए इतना लंबा है, पूरा एकदम ताज़ा ताज़ा दिख रहा है, फ्रेश है। अभी जमीन में गाड़ रहे हैं इसको। लगा दिए, देखिए मिट्टी डाल रहे हैं उसमें। अब उसको वो रस्सी से बांध देना है ताकि गिरेगा नहीं। अब इसको यहाँ पर रस्सी पहले से पड़ा हुआ है, एक तो गिर गया नीचे, अच्छा उड़ जाएगा ये रस्सी जो है ना। हाँ, उसको बांध करके इस तरह लटकाना है उसमें, इसी के सहारा ऊपर उठेगा और इसमें फल पकड़ेगा। अब ये हो गया दूसरा वाला, बांध दिए, वो नहीं उठेगा इतना जड़ है ना, जड़ ये इसमें सटा के रखना चाहिए, रहना चाहिए ताकि इसमें पकड़ के जाएगा ऊपर ना, गिरेगा नहीं। ये जड़ जो होता है इसे पेड़ में पकड़ के मतलब सटा के रखना जरूरी है। और ये रहा दूसरा वाला, ऊपर में बांध देते हैं इस तरह करके, बांध दिया जाता है, इसके सहारा ऊपर उठेगा पेड़ में और फल देने लग जाएगा। गोल मिर्ची, हाँ यहाँ पर थोड़ा कचरा देना पड़ता है ताकि ये सूखेगा नहीं, नहीं तो रुक सकता है ना। ये बरसात के दिनों में लगाया जाता है इसलिए जमीन गीला होना जरूरी है दोस्त। अभी तो जमीन गीला है, गीला है चलेगा, हो गया तो हमारा फाइनली। तो हम लोग ये देखिए लगा दिए, पूरा लगा दिए गोल मिर्ची को इस तरह लगा दिए। तो दोस्त ये देखिए हम लगा दिए हैं गोल मिर्ची, इसी तरह लगाते हैं और आप लोग भी लगाइए। ये बरसात के दिनों में लगाया जाता है, ऐसे दिनों मतलब गर्मी के दिनों में सूखता है ना, तो ज़मीन गीला नहीं रहता ना, ज़मीन गीला होना ज़रूरी है। आइए देखिए यहाँ पर नाली है और ये हम लोग नाली के किनारे लगा रहे हैं ताकि ये सूखेगा नहीं, ये नाली के जो है ना किनारे में है पेड़। अब लगा दिए, अब ये ज़रूर ज़िंदा होगा, ये कन्फर्म बता रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर गीला है ज़मीन और नाली के किनारे में। लगा दिए गोल मिर्ची और देखें आप लोग कैसे लगाना है, आप लोग भी ऐसे लगाइए इसी तरह बरसात के दिनों में। तो अभी हम जा रहे हैं रूम, और रूम जा रहे हैं दोस्त। तो आज का ब्लॉग इतना ही है दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें।